यूएसए वीजा विंडो हिंदी सीरीज में दर्शक मित्रों आप सबका मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि कॉन्सुलेट चालू हो गई। तो दोस्तों, कॉन्सुलेट तो चालू ही है, लेकिन ये जो COVID-19 वगैरह है उसकी वजह से उनका काम थोड़ा ढीला हो गया है। और पिछले करीबन 1.5-2 साल से तो कॉन्सुलेट बंद थी, तो उनका काम सब पेंडिंग था, वो सब बढ़ गया है। तो इसके लिए आपको इंटरव्यू की तारीख मिलने में देरी होती है, लेकिन अभी वो लोग ने फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए जो पिटीशंस दाखिल किए हैं उसके इंटरव्यू की तारीख देनी शुरू कर दी है। तो अगर आपका फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी 1, 2, 3, 4 किसी के भी नीचे पिटीशन करंट हो गया है तो आप जरा शांति रखना, थोड़े ही समय में आपको इंटरव्यू की तारीख मिलेगी। और ये जो एनवीसी कागज भेजती है कॉन्सुलेट को, अपने बेनिफिशियरीज को, और कॉन्सुलेट भी कागज भेजती है, उसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो शायद आपकी कोई कागज आपका मिसप्लेस हुआ हो, आपको नहीं मिला हो, तो अगर ऐसा है तो आप इंक्वायरी कीजिए कॉन्सुलेट में और जान लीजिए। जिन लोगों को स्टूडेंट वीजा लेना है F1 या H1B या L1, उनको इंटरव्यू की तारीख तुरंत मिल सकती है। और जो लोग का B1 B2 वीजा 10 साल का मल्टी एंट्री खत्म हो गया है या खत्म होने को आया है और वो रिन्यू कराना चाहते हैं, और जो लोग नई तरह से B1 B2 वीजा की अर्जी करना चाहते हैं, उनको ठहरना पड़ेगा। शायद उनको इंटरव्यू की तारीख मिलने में काफी लंबा समय 2-4-6 महीना लग जाए, लेकिन आपको करना क्या है कि पिटीशन भरो, ऑनलाइन रख दो, वीजा प्रोसेसिंग फी भर दो, और फिर इंटरव्यू की जो भी तारीख मिलती है वो ले लो, चाहे कितनी भी लंबी हो, और फिर ट्राई करते रहो। कोई कैंसलेशन होगा तो आपको जल्दी तारीख मिल जाएगी। दरअसल मित्र, मुझे आपको एक ये बात भी बतानी है कि कई लोग अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करके वहां परमानेंट रहने को जाना चाहते हैं, उनके लिए EB-5 प्रोग्राम के जरिए जो रीजनल सेंटर का प्रोग्राम था वो अभी स्थगित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, लेकिन EB-5 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चालू है। लेकिन आप बोलेंगे कि हम डायरेक्ट कैसा करेंगे, हमें पता नहीं है क्या बिजनेस करना, क्या करना, और हरेक को बिजनेस में 10 आदमी तो परमानेंट रखने पड़ते हैं। तो अमेरिका में कई एजेंसी ऐसी है जो आपकी ये सहूलत, आपके लिए सहूलत करते हैं, वो लोग आपके लिए खुद बिजनेस चलाते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में 4, 5 या 10 इन्वेस्टर्स को लेते हैं, हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर 10-20 इन्वेस्टर्स को लेते हैं, और वो आपके लिए बिजनेस चलाते हैं, और वो बिजनेस में हर एक इन्वेस्टर के लिए 10 अमेरिकन को फुल टाइम नौकरी देते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करना है EB-5 डायरेक्ट बिजनेस प्रोग्राम में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में, तो आप मेरा संपर्क कीजिए। मैं आपको, मेरे पास 2-3 ऐसी अच्छी प्रोग्राम है, एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, एक हॉस्पिटल बिजनेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने को मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट की रकम $5,00,000 है जो आपको करीबन 8 साल के बाद वापस मिलेंगी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलेगा, और 8 साल के बाद जो एप्रिसिएशन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो भी आपको मिलेगा। और उसके उपरांत करीबन $1,00,000 खर्चे का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, अटर्नी फीस, फाइलिंग फीस, तो वो जो $1,00,000 है वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। और आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इमीडिएट वीजा मिलने में करीबन 3 साल लगेंगे। वो लेके आप जब अमेरिका में दाखिल होंगे
तो आपको 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलेगा। 21 महीने के बाद आपको अर्जी करनी रहती है वो परमानेंट करने की, उसको वो अर्जी को 3 साल लगते हैं। तो 8 साल के बाद आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट हो जाता है और आपको अपने पैसे अगर विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं, कंटिन्यू करना है बिजनेस में तो कंटिन्यू कर सकते हैं। होटल बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। और जो हॉस्पिटल बिजनेस है उसमें 20 आदमियों की, 20 इन्वेस्टरों की जरूरत है, वो भी अच्छा बिजनेस है। तो अगर आपको करना है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है, जो यहाँ तो बिजनेस करना चाहते ही है लेकिन अमेरिका में भी अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, अमेरिका में भी बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए इंट्रा कंपनी ट्रांसफरिंग L1 वीजा है। मैनेजर और एग्जीक्यूटिव को ये L1 वीजा के ऊपर अमेरिका में 7 साल काम करने को मिलता है, और जो खास जानकारी वाली व्यक्ति है उनको L1 वीजा के ऊपर 5 साल काम करने को मिलता है। ये भी अगर आपको करना है तो मेरा संपर्क कीजिए, आई विल गिव यू प्रॉपर गाइडेंस। और अमेरिका का कोई भी वीजा L1, EB5, B1, B2, F1, H1B, N1, कोई भी प्रकार का वीजा है, आपने कुछ गलत किया है और आपको अमेरिका में जाने से पाबंदी लग गई है, तो आप टेंशन मत लेना, मेरे पास आओ, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469 और मेरा ईमेल है sudhirshah1940@gmail.com sudhirshah1940@gmail.com। हाँ दर्शक मित्रों, अगर आपको EB5 डायरेक्ट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास जो 2 अच्छे प्रपोजल है, एक रेस्टोरेंट का और एक हॉस्पिटल का, वो आप जल्दी करना, ये तो वो जो उसके अंदर जो इन्वेस्टर्सों की लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। और इमिग्रेशन के बारे में नो टेंशन, मैं हूं ना।